नमस्कार, मैं राजमोहन, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। वैक्सीन 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 और सिर्फ कोरोना की वैक्सीन, जिसे देखिए उस शख्स के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द चल रहा है, वो है वैक्सीन। कब आएगी कोरोना की वैक्सीन, कब उन्हें इस बीमारी से, इस तनाव भरे माहौल से छुटकारा दिलाएगी। लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं, लोग जल्दी दूसरों से मिल नहीं सकते हैं। कहा जाता था कि इंसान सामाजिक प्राणी है, लेकिन अब वो समाज से ही दूरी बना रहा है, क्योंकि उसे अपनी सुरक्षा की चिंता लगी हुई है। सरकारें लगातार चिल्ला रही हैं सामाजिक दूरी बनाएं, हालांकि पहले कहा जाता था आप समाज में रहें, लेकिन अब सामाजिक दूरी बनाएं। सभी के दिलों में एक ही बात है कि यह वैक्सीन कब आएगी। 11 अगस्त को रूस के राष्ट्रपति ने दावा किया था कि उन्होंने कोरोना की वैक्सीन बना ली है, वो इन्हें सितंबर में प्रोड्यूस करेंगे भारी पैमाने पर, अक्टूबर में लोगों को देना भी शुरू कर देंगे। लेकिन WHO सहित पूरे विश्व के कई देशों ने इस पर सवाल भी खड़े कर दिए कि आपने जो वैक्सीन बनाई है उसके आंकड़े क्या हैं, कितने स्टेजों में गई। पता चला कि इसने अभी तक जो फाइनल स्टेज होता है किसी वैक्सीन के बनाने का, थर्ड स्टेज, उसे इसने भी पूरा ही नहीं किया है, और ये अभी पूरा करना बाकी है। उसके पहले ही इसने बाजार में अपने आप को रजिस्टर्ड करा दिया और लॉन्च भी करने की बात कह दी। लेकिन अब हम जानना चाहेंगे कि चलिए, रूस की वैक्सीन के बारे में तो हमें मालूम पड़ गया है कि कई सवाल इसके ऊपर खड़े हैं और लोग इस वैक्सीन को लेने में हिचकिचाएंगे ज़्यादा। हालांकि रूस का कहना है कि 20 से ज़्यादा देशों ने उनसे संपर्क किया है इस वैक्सीन का डोज लेने के लिए। हालांकि ये बात की बातें हैं, जिन्हें बाद में ही रहने दें। संशय रूस की वैक्सीन पर है तो उससे बात नहीं करेंगे, बात करेंगे उसके अलावे जो वैक्सीन है। अन्य कौन ऐसी देश हैं और कौन से ऐसी कंपनियां हैं जो वैक्सीन बनाने के लास्ट स्टेज में हैं और बहुत जल्द ये वैक्सीन बनाकर लॉन्च कर सकती हैं। इस संबंध में हमसे बात करने के लिए और आपको जानकारी देने के लिए जुड़ चुके हैं पटना के जाने माने फिजिशियन और संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ काम कर चुके डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी। सर, सबसे पहला सवाल तो यही है कि रूस के अलावा, क्योंकि रूस की वैक्सीन पर सवाल उठ रहे हैं लगातार, तो उसके अलावा कौन सी ऐसी कंपनियां हैं या कौन से ऐसे देश हैं जहां की कंपनियां वैक्सीन बनाने के काफी नजदीक पहुंच गई हों, फाइनल स्टेज में हों, और कब तक यह वैक्सीन आएगी। इसके अलावा एक और सवाल है कि भारत की वैक्सीन पर भी आप जानकारी दें दर्शकों को, ताकि उनको पता चले कि भारत जो वैक्सीन बना रहा है वो किस स्टेज तक पहुंची है, और भारत में जो स्वदेशी वैक्सीन बन रही है वो कब तक लॉन्च हो सकती है। सर, कुछ देशों में अभी वैक्सीन के ट्रायल एडवांस स्टेज में, फेज 3 ट्रायल शुरू हो गई है, जिसमें अमेरिका सर्वप्रमुख है, जहां की मॉडर्ना के द्वारा फेज 3 ट्रायल में 30,000 वॉलंटियर्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें इंजेक्शन के देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के द्वारा एक फेज 3 ट्रायल शुरू हुआ है, जिसमें हजारों लोगों को यह वैक्सीन का ट्रायल दिया जाना है। और इसके अलावा चाइना के भी दो वैक्सीन अभी हाई फेज 3 ट्रायल पर हैं। तो कुल वर्ष में 4 वैक्सीन ऐसे हैं जो कि मैसेंजर आरएनए या फिर एडोना वायरस और या फिर अदर व्हीकल स्पाइक प्रोटीन और इन सबों को देखते हुए अग्रिम स्टेज में है, फेज 3 ट्रायल में है, जिनको कि अभी शुरू हो चुका है फेज 3 ट्रायल। और वो फेज 3 ट्रायल के डेटा कम से कम 2 महीने लगेंगे उसको आने में। उसके बाद उसका एनालिसिस होगा, उन डेटा का सेफ्टी प्रोफाइल का एनालिसिस होगा, और उसके बाद यदि उसमें अप्रूवल हो जाती है तो जनवरी तक उसे मार्केट में आने की संभावनाएं बनेंगी। साथ ही साथ फेज 3 ट्रायल एक तरफ चल रहा है और साथ ही साथ मास प्रोडक्शन भी उसकी चल रही है। बहुत सारे वैक्सीन की कंपनियां एक तरफ फेज 3 ट्रायल चला रही है और साथ ही साथ मास प्रोडक्शन भी उस वैक्सीन का कर रहा है। ये मानते हुए यदि इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग बोर्ड उसे अप्रूवल देता है तो जो करोड़ों अरबों की संख्या में वैक्सीन का प्रोडक्शन है वो जल्द से जल्द लोगों के बीच में आ पाए। इसलिए वो लोग गैम्बलिंग भी कर रहे हैं, मीन्स कि अगर अप्रूवल हो जाता है तो बहुत तेजी से हमारे बीच आ जाएगा, अगर अप्रूवल नहीं होता है तो बहुत करोड़ों डॉलर की लॉस भी होने की संभावना हो सकती है। यदि सेफ्टी मार्जिन नहीं होता है या उसकी एफिकेसी नहीं देखी जाती है तो करोड़ों रुपए अरबों डॉलर की लॉस होने की भी संभावनाएं हो सकती है, क्योंकि वो साइड बाय साइड प्रोडक्शन सब वैक्सीन का चालू है। इसके साथ साथ जो भारत में वैक्सीन चल रही है अभी फेज 2 ट्रायल, फेज 1 और फेज 2 ट्रायल को कंबाइन करके अभी चल रहा है, उसमें एनरोलमेंट हुए हैं, उसमें अभी सुई पड़ी है, और जब उसमें अप्रूव्ड डेटा आएंगे, सेफ्टी मार्जिन देखी जाएगी, तो फेज 3 ट्रायल शुरू होगी। और फेज 3 ट्रायल में जैसा मैंने कहा उसमें हजारों की संख्या में लोगों को वॉलंटियर को आइडेंटिफाई करना होता है,
और उन्हें सुई देनी होती है और उसके बाद उनके सेफ्टी मार्जिन की, सेफ्टी वैल्यू की और इफिशियंसी इफिकेसी की, प्रोटेक्टिव वैल्यू की एनालिसिस होती है, डोजिंग एनालिसिस होती है, उसके फ्रीक्वेंसी एनालिसिस की कितने बार देने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इन सब को देखते हुए अर्लीस्ट जो वैक्सीन आने की संभावनाएं हैं वो जनवरी से पहले उम्मीद कम है कि कोई वैक्सीन आ पाए, जनवरी फरवरी तक में वैक्सीन आने की संभावनाएं बनती है। धन्यवाद डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी जी। जैसा कि आप सुन रहे थे, पटना के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी को, उन्होंने बताया कि रूस के वैक्सीन के अलावा जो कि स्पुतनिक 5 है, उसके अलावा चार वर्ल्ड में चार ऐसी कंपनियां हैं जो वैक्सीन बनाने के फाइनल स्टेज में यानी कि थर्ड स्टेज में पहुंच चुकी हैं और इनके वैक्सीन को लेकर ज़्यादा सवाल नहीं उठेंगे क्योंकि ये लगातार अपने आंकड़े भी साझा कर रही हैं। साथ में ये जो प्रक्रिया है एक वैक्सीन बनाने की उसका पूरी तरह से सतर्कता के साथ पालन कर रही हैं। तो ये वैक्सीन अगर बाजार में लाती हैं तो इन पर सवाल काफ़ी कम होंगे, सवाल उतने नहीं उठेंगे क्योंकि इन्होंने पूरी प्रक्रिया का पालन किया है। और भारत की जो वैक्सीन है वो अभी स्टेजेस में है, सेकंड स्टेज के आसपास है और उसी स्टेज में है, थर्ड स्टेज में अभी वो पहुंची नहीं है, सेकंड स्टेज भी उसका अभी कंप्लीट नहीं है बल्कि वो कंबाइंड कर रही है फर्स्ट और सेकंड स्टेज को लेकर। और जो कि सबसे ज़रूरी बात है उन्होंने बताई वो यह कि जनवरी के आसपास ही वैक्सीन जो है वो आ पाएगी, अभी उसके पहले आने के आसार काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं। तो ये एक बड़ी जानकारी उन्होंने दी कि जनवरी के पहले वैक्सीन बाजार में आने और आम जनता तक पहुंचने में उसको समय लगेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।